खरगोन शहर के बीटीआर रोड पर शुक्रवार देर शाम एक गाय का शव अलग अलग हिस्से में कटा हुआ मिलने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। गोहत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर शनिवार को सकल हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया। सुबह 11 बजे सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर रोष मार्च निकाला गया। गोहत्या बंद करो, गो हत्यारों को सजा दो, गोली मारो सालों को के नारे लगाते हुए गो भक्तों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हालांकि रोष मार्च के दौरान गोर पेट्रोल पंप के सामने विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। पथराव में दो युवकों को सिर में चोट आई। वहीं विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पथराव के बाद शहर में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। बाजार दिन भर बंद रहा। एहतियातन पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। हालांकि पूरे दिन बाजार बंद रहा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उसके विरोध में हम बंद के रूप में हमने निकले थे। हम निकलते गए, कारवा बढ़ता गया। हमने एक योजना बनाई थी कि हम निकलेंगे 2, 10, 15 लोग जो भी होंगे इकट्ठे होकर जाएंगे, पर हम चलते गए, कारवा बढ़ता गया। लोगों ने सहयोग करा बंद का और सभी की गौ माता आराध्य बोलते हैं, 36 करोड़ देवता वास करते हैं उसमें गौ माता में। तो गौ माता प्राणी के साथ साथ हमारी माता तुल्य भी है, इसलिए सभी माता के सम्मान में सभी जन ने अपने स्वैच्छिक भी कराए, किसी को निवेदन करके बंद करवाया, किसी ने स्वैच्छिक कराया। स्वैच्छिक करते हुए हम निकले हैं और आज एडीएम साहब के सामने हमने हमारा आवेदन दिया है। और बीच में कुछ लाठीचार्ज और पथराव की घटना भी हुई है, जो कि हमारे हिंदू बच्चों के ऊपर पथराव किया गया। हम तो खाली हाथ निकले थे, खाली हाथ जा रहे हैं, पर क्या बोलते, जो पथराव किया गया है और हमारे लोगों पर लाठीचार्ज की घटना की गई है, तो जिनको पकड़ा गया हमारे लोगों को उनको छोड़ा जाए और लाठीचार्ज किया गया है। चलो वो तो हो गया है, पर तो भी उसको जांच करवाई जाए कि क्या लाठीचार्ज किस प्रकार की मांगे कर रहे हैं हम। कि पहले तो अपराधियों की सजा दी जाए, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए, केटल की स्मगलिंग जो होती है, गाय माता की स्मगलिंग होती है, बंद किया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए हमें आश्वस्त किया जाए कि हिंदू समाज हिंदुस्तान में सेफ है। क्योंकि हमारे आराध्य ही यदि सेफ नहीं होंगे तो हम तो बस ऐसा ही है, बस सिर्फ जी रहे। ठीक है, अजय भाव सर, अपना दिया गया, हमारी मांग ये भी थी कि तपनाया ना जाए रात को, हमारे गाय में तपनाने का कोई कार्य होता नहीं है और हमारे में जलाने की क्रिया रहती, फिर भी गाय माता एक प्राणी भी होने के साथ अवशेष उनके प्राप्त हुए थे, उसमें हमने रात में तपना दिया गया। पर इसको बुनाने का कुछ ना कुछ कार्य किया, इस मुद्दे को बुनाने का कार्य किया जा रहा है, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, पुलिस ने बल प्रयोग किया है। उनका कहना है कि यहाँ पे हिंदू समुदाय इकट्ठा हुआ है और उन्होंने यहाँ पे आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण देते हुए पथराव करा है। पर पथराव करने के लिए कोई, हम पथराव घर से पत्थर नहीं लाए थे, पथराव वही होता है जब पत्थर अवेलेबल हो। हमारे पास पत्थर नहीं थे, हम तो सिंपल आए थे और आवेदन देने की हमारी इच्छा थी। हमने आवेदन निवेदन के साथ दिया है, हमको धनादन करते भी आता है पर हमने आवेदन निवेदन के साथ दिया है, उसको ध्यान में रखा। क्या मांगे आपको? हमारी मांग यही है कि गौ माता को जो अपराधी होने उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए और गौ माता की जो स्मगलिंग होती है, जो माननीय एसपी साहब जो ट्रांसफर हो गया है, यहाँ माई बाप कोई है ही नहीं पुलिस का जो कि कार्रवाई कर सके, वो कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ कर जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। क्या नाम? अजय भाव साहब। आज कुछ लोग निकले थे, उन्होंने बाजार बंद कराया, इस दौरान आप भी यहाँ मौके पर मौजूद है, कुछ लाठीचार्ज की भी खबरें आ रही, क्या खबर? देखिए, कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, 100-150 लोग थे, इनका कोई नेतृत्व करता नहीं था, वो किसी की सुनने को राजी नहीं थे। पूरे शहर का चक्कर लगाया, बावड़ी बस स्टैंड से लेके तो बस स्टैंड तिराहे तक और एक पेट्रोल पंप में जाकर भी उसको बंद करवा रहे थे। उसी दौरान ऐसा लगा कि कुछ हलचल हो रही है, अड़बड़ हो रही है। लाठी चार्ज जैसी तो कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन सूत्रण आग्रह किया गया कि सब अपने अपने घरों को लौट जाएं, जो उनका जमाव है वो विधि विरुद्ध है और जो ये कार्रवाइयां वो कर रहे हैं, एक 144 का भी उल्लंघन है और वैसे भी जायज़ नहीं है, तो उनको समझाया गया, बताया गया। इसके बाद सभी इकट्ठे होकर ज्ञापन देने SDM ऑफिस गए हैं और उसके बाद संभवतः डिस्पर्स हो जाएंगे। कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ अभी ऐसा नहीं? अभी तो सब हम लोग फील्ड में यही संभाल रहे थे, कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो, बाकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है, बाकी आगे होगी। सर, गो हत्या वाली बात सामने आ रही है, इसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज वगैरह कर लिया है? इसमें FIR भी है, कुछ संदेह भी है, राउंड अप है, तो वो उनकी जो मांग थी वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, पर वो चूँकि किसी की सुनने को तैयार नहीं था भीड़ का एक हिस्सा और उनका कोई नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए किसी से ऐसी बात नहीं हो पाई। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।